हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू टेक्निकल वसीम यूट्यूब चैनल। आपसे बहुत सारे दोस्तों जो CSC के तहत आयुष्मान भारत पे काम करते होंगे तो उनको ना यहाँ पे एक इशू आती है, फैचिंग बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन प्लीज वेट, यानी कि मोरफो काम नहीं करता है। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो आपने देखे होंगे लेकिन आपका कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। मैंने एक VLE ग्रुप से मैंने ये उठाया जिसमें एड हूँ, मेरे हमारे CSC ग्रुप है, वहाँ एक भाई को ये इशू आ रहा है। इसके कारण से अच्छे खासे पैसे भी पेड होते हैं, मैं ऑनलाइन सर्विस भी देता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा फ्री में, वो भी कस्टमर केयर ट्रिक, सिर्फ 5 मिनट में आप अपना मोर्फो को आयुष्मान भारत हो, डीजी पे हो, या डीजी पे नॉर्मली काम करता है, बाकी आपका PMG दिशा हो गया, या CSC UTI हो गया, या फिर आपका ICICI एक्सिस हो, ICICI हो, ये बैंक के तहत CSC में खाते मिलते हैं, इन सब पे काम करना सिर्फ एक ट्रिक अपना कर। कैसे करेंगे, वीडियो को एंड तक बन रहेगा, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है, एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पहली बार नए हो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। वीडियो को लेट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ ध्यान देंगे, आपके दो कंडीशंस होंगे। पहले आपके मोर्फो आपके PC में रन कर रहा है, वर्क कर रहा हो, और किसी पोर्टल भी यूज कर रहा हो वर्क कर रहा हो, और दूसरा कंडीशन है वर्क नहीं कर रहा है, इस शुरू से इंस्टॉल करना है। तो जिनका वर्क कर रहा है वो वीडियो को बने रहे, जिनका नहीं कर रहा वो ध्यान दे कि आपको सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अपने PC से मोर्फो को अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल कैसे करना है इसके ऊपर वीडियो आपको सामने ऊपर दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पर मैंने अनइंस्टॉल का प्रोसेस बताऊँ A to Z। अगर मोर्फो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आपका मोर्फो रन नहीं कर रहा है तो वीडियो देख लें जरूर डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर का बेस्ट मोर्फो लिंक दूँ, उसे भी आप चेकआउट कर लेना। अब आते हैं बात जो लोग का काम कर रहा है, जो लोग का नहीं कर रहा, दोनों के एक साथ। तो देखिए अभी हमारा जो डिवाइस है वो रन कर रहा है, रन कैसे कर रहा पता करना है, तो एक टेस्ट पे जाता है, उसके क्लिक करके आधी तो जो टैप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिवाइस रेडी या नॉट रेडी, जैसे यहाँ रेडी शो कर रहा है, यहाँ पे रेडी शो कर जाए, और अगर फिंगर कैप्चर पे आप टैप करोगे तो लाइट भी ब्लिंक हो जाएगी और आपका थंब रखोगे साउंड भी आपका PC करेगा, तो ये हमारा और ये पॉपअप आ जाएगा, तो हमारा वर्क यहाँ पे कर रहा है। अब देखो जिन लोगों का वर्क करता है नॉर्मली, अब यह कहाँ का वर्क करेगा, डीजी पे भी वर्क करेगा, एयरटेल काम करे उस पर करेगा, पेनियर बाय उस पर काम करेगा, अगर आप वृद्धा पेंशन का रिवेरिफिकेशन करते हो ई लाभार्थी तो वहाँ भी काम करे, तो आपका सभी काम कर रहा है। अब हो सकता है आपका अदर पोर्टल पर भी काम करे। अब देखो स्टार्टिंग यही से होती है, ट्रिक्स करना क्या है, मैं इंस्टॉलेशन नहीं बताऊँगा इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना चुके इंस्टॉलेशन के ऊपर, आप उसे चेकआउट कर लेना। आपको जाना है अपने PC में जाने के वहाँ पे सी ड्राइव है, ध्यान से देखो जो मैं स्टेप बता रहा हूँ, सी ड्राइव में जाने का, आपको विंडोज़ कोई भी हो, 7 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही चीज़ है। यहाँ पे आपको मोर्फो RD0 सॉफ्ट लॉक करके होगा, इसे ओपन करना है। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे ख्याल रखना है इस चीज़ को, मैं इसका कोडिंग नीचे बता दूंगा कैसे करना है सारे चीज़ें। configuration.ini सेटिंग करके जो है इस पर ओपन करना है, यहाँ का फिजिकली यहीं पर सारा खेला होता है, इसको समझ लेना आप। यहाँ पे कम्युनिकेशन मोड अगर एक पे जो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, मतलब कि नॉर्मली इंस्टॉल करते तो एक ही रहता है, वो एक पे जब भी रहेगा वो एयरटेल पे काम करेगा, डीजी पे भी काम करेगा, आपका बाकी पे नियर बाय पे काम करेगा, जितने भी लोकल DVT एग्रीकल्चर किसान जितने नॉर्मल काम होते हैं सब पे काम करेगा। अगर इसको यहाँ पे कट करके और जीरो कर दे अगर, और कंट्रोल एस मार दे, ठीक है ना, अब ये सेटअप तैयार हो गया UTI। लेकिन इससे पहले एक चीज़ छोटा सा आपको करना होगा, इसी फोल्डर नीचे आके नीचे आएंगे तो यहाँ एक server.crt मिलेगा। देखो सब कुछ करने के बाद ही आयुष्मान पर जो वहाँ पर रीड नहीं करता, बस यही एक छोटा सा मिसिंग आप करते हो, कम्युनिकेशन मोड को जीरो कर लेते, सब कुछ करते हो, यहाँ पे इसे ओपन दो बार डबल टैप करना है और इंस्टॉल सर्टिफिकेट करना है और नेक्स्ट 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 फिनिश कर, बस इतना छोटा सा काम ये कर लोगे आपका लगभग 90% वर्क करने के लिए चालू हो गया। अब देखो यहाँ आप कम्युनिकेशन को सही करके यहाँ पे इसको कम्युनिकेशन मोड को जीरो कर लेंगे, ठीक है। जीरो करने के बाद अब क्या करना है आपको, नॉर्मल सवाई service.msc में जाके इस पर खोलकर देखो ये जो पेज है ना, ये सामने दिख रहा है, इस पेज में बहुत सारे लोग का नॉर्मल यूज पे भी ये यहाँ पे मोर्फो काम कर जाता है, और स्पेशली जब वो जो कम्युनिकेशन मोड जीरो पे भी काम करता ही है, तो यहाँ काम करने का मतलब नहीं है कि आपका हर जगह वर्क करेगा, ये उन सब के लिए भाई के लिए जिनका मोर्फो नॉर्मली वर्क कर रहा है लेकिन आयुष्मान पे काम नहीं कर रहा है, ऑर्डर पे काम नहीं कर रहा है। पहले पेड सर्विस दिया हूँ लेकिन देखा हूँ बहुत सारे लोग जो मतलब कि इच्छुक है लेकिन कुछ मिसिंग करने के, उनके लिए वीडियो है। स्पेशली आप, मैं पेड इंस्टॉलेशन भी करता हूँ, अगर आपको कोई इश्यू आती है मोर्फो में, मंत्रा में, डिवाइस में, तो आप हमारे जरिए भी करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक करना, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का चैटिंग लिंक देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कर लिया, अब अपना ऑथेंटिकेशन करते और अपना फिंगर करके वेरीफाई करके इसे आगे प्रोसीड करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा आईडी का जो एक्सेस यहाँ खुल गया। अब यहाँ पे कोई एक सर्च करके चेक करेंगे कि हमारा मोर्फो के जो ऊपर जो मोर्फो लिख के लंबा सा लिखा था, अच्छा वाला जिसमें वर्क करने लगा उसके पास जाना था, वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमने यहाँ पे एक ढूंढ लिया और उनका जो टर्म एंड कंडीशन आगे करते हैं हम प्रोसीड कर लेते हैं। तो फाइनली जो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है फिंगरप्रिंट, तो हमारा यहाँ मोर्फो जो है पूरा जो काम करने लायक होता है वो शो कर गया है। जो लोग भाई काम करते जानते हैं समझ गए होंगे, यहाँ तक आ गया मतलब डिवाइस जो चलेगा नहीं दौड़ेगा इस पे, ठीक है ना। बस छोटा सा हमने बताया ट्रिक की कैसे एक सेटिंग चेंज करना है, थोड़ा अटकना नहीं है उसमें, आराम से आपका काम ए टू जेड कर जाएगा इस सेटअप्स के साथ जिनका वर्क कर रहा है। जिनका नहीं कर रहा है प्रॉब्लम आ रही तो मैंने नीचे बहुत सारे वीडियो बने देख दिए दूंगा डिस्क्रिप्शन में देखने लायक, जिसको आपको एकदम छोटा सिंपल स्टेप में मोर फीचर्स के बारे में बताया हूँ कर सकते हो आप। अब ना सिर्फ कहाँ कहाँ ये काम करेगा आपका एक छोटा सेटअप होने के बाद, आपका अभी ये आपका आयुष्मान भारत में तो करेगा ही करेगा, उसके बाद आपका पीएमजी दिशा में काम करेगा, सीएससी यूटीआई में काम करेगा, आईसीआईसीआई पर भी काम आपका ये करेगा ही करेगा। घुमा फिरा के बोले तो एक छोटा सा ट्रेडिंग और वर्क सब पे करें। अब देखो अब यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है आपको, क्या आपका डीजी पे वगैरह जो नॉर्मल टाइप से काम करे वो यूज करना बंद हो जाएगा। अब क्या करना होगा देखना, इस स्टेप को फॉलो बहुत आसान करना है आपको, तो बाद दिक्कत आएगी फिर बोलो भैया अब मेरा इस पे काम नहीं कर रहा है, इस पे तो करने लगा। ओपन करना है अपना पीसी को, सी ड्राइव में जाना है, मोर्फोसॉफ्ट लॉग जो करके उसमें जाना है, और कम्युनिकेशन आईएनआई करके जो है कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग को उसमें जाना है, और कम्युनिकेशन मोड का जो जीरो है उसे कट करना है, वन डालना है, कंट्रोल एस या फाइल में सेव करते हुए जाना है और इसे सेव मारना है, इसे कट करना है, सर्विस रिक्वेस्ट में जाना है, मोर्फो ढूंढना है, यहाँ पे मिल गया, और इसे रिस्टार्ट कर लेना आपका अब नॉर्मल डीजी पे किसान इलावर जितना चीज होता है एयरटेल पे नियर बाय जितनी भी चीजें इन पे काम करते हैं उन सब पे आपका चलाने उन पे दौड़ना, लेकिन अभी उसमें नहीं चल, जब जब आपको यूज करना बस छोटा सा कम्युनिकेशन मोड को 1010 करना और इसे रिस्टार्ट कर लेना, बस इतना ही करना है। एक इशू आपको और आ सकती है क्रोम के कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के ऊपर, जहाँ पे यहाँ पे फ्लैक्स के अंदर जाकर जो चेंज किया जाता है, जैसे कि मैं बता दूँ अगर ये फ्लैक्स के अंदर मैं अगर जाके आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो आपको अगर क्रोम लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे होंगे तो CERT इसे इनेबल रखना हमेशा, इसे डिसेबल नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखना। सब कुछ करने के बाद जो इशू आ रही है तो ये आपका डिसेबल है। मैंने नीचे क्रोम का सेटिंग के बारे में वीडियो दे दूंगा, आप टोटल टोटल देख के खुद से बिना किसी के सहारे ए टू जेड कर पाओगे। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैं आपके लेके आया, स्पेशली मेरे ग्रुप में 2-3 ऐसे लोग थे जो पूछ बैठे क्या है मैं क्या जवाब दूं, मैं इसके ऊपर एक भी वीडियो मैंने बनाया नहीं था और बनाए थे तो बहुत लंबे लंबे वीडियो थे, छोटे वीडियो में इसमें लेके आया उससे छोटा ट्रिक ये बोलते, स्पेशली मोर्फो के कस्टमर सपोर्ट का ट्रिक है जो बताते हैं वहाँ पे जीरो करना वन करना, ये बेसिकली लोग मैं भी अदर सर्विस की मैंने यहाँ पे एक कम्युनिकेशन मोड का पूरा सेटअप को ही चेंज कर देता था, यानी फाइल को ही रिप्लेस कर देता था। आपको देखना तो वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो हमसे पेड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अगर आपसे खुद से सब कुछ प्रयास करके नहीं हो रहा है तो। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने थे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो आपको फायदा पहुंचाया होगा, आपको अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, वीडियो को सुझाव रहा है आपकी प्रॉब्लम परेशानी स्टिल बनी हुई है इशू कोई भी कंफ्यूजन हो आपके कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें जरूर पूछे, मैं उसका रिप्लाई जवाब जरूर दूंगा। मुझे नए हो पहली बार आए ऐसे नॉलेजबल टेक्निकल फैक्ट एंड टेक्निकल रिलेटेड वीडियो पाने के चैनल होगा बिल्कुल ना भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पे कर ले। तो वो मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के टेक्निकल साइनिंग आउट, देखो मगर प्यार से।